वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ एक क्लचर की मदद से बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल्स। और आप डेली में एवरीडे हेयर स्टाइल है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से एवरीडे में आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हो जो बहुत ही आसान है और स्टाइलिश भी दिखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और मेरा चेहरा अच्छी तरह ग्लो क्यों कर रहा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसकी भी एज टाइम से पहले ही लूज पड़ती है, एजिंग दिखने लग जाती है। तो आप ये फेस पैक ट्राई कीजिए, मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया है जो कि आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन की झुर्रियां, रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट्स जो है धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन टाइट और यंग दिखने लग जाएगी। तो प्लीज गो टू माय सेकंड चैनल प्रीत तिवारी 2, वहां पे आपको स्किन केयर और मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आज का जो टॉपिक है, सिर्फ एक क्लचर की मदद से 8 बहुत ही आसान और स्टाइलिश बन हेयर स्टाइल। इसमें मैंने कोई यूपिंस कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक क्लचर की मदद से बनाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से बालों को कॉम करना है, बालों को अच्छे से कॉम करने के बाद से बहुत ही इजी है, सिर्फ एक और एक क्लचर की मदद से बनाऊंगी, कोई भी यूपिंस वगैरह यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ। तो एंड तक देखिएगा, इस तरीके से ट्विस्ट करना है, एक्स्ट्रा हेयर को अंदर की तरफ पुल कर देना और इस तरीके से आपको बना लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही काफ़ी स्टाइलिश लगेगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें आपको क्लचर को सिंपली ऐड कर देना है, इसको आप अच्छे से होल्ड करोगे तो हो जाएगा। एंड साइड में आपको क्लचर लगा देना है या फिर सेंटर में आप लगा सकते हो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसको अगर आप क्लचर नहीं है तो आप बन स्टिक से भी लगा सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, इस साइड में लगाइएगा, देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो फ्रेंड, सेकेंड हेयर स्टाइल में भी अच्छे से आपको कॉम कर लेना है इस तरीके से, और कॉम करने के बाद से अगेन हम लोग क्लचर का यूज करेंगे, लेकिन कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो सारे बालों को सिर्फ एक क्लचर से, कुछ यहाँ पे रबर बैंड वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक क्लचर से आप एवरीडे इजी हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ऊपर की तरफ लेके आना है और पूरा एंड तक ट्विस्ट करते जाना है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत टाइट रहता है, ऐसा नहीं है कि खुल जाएगा। आप इसको कहीं जा रहे हो मार्केट वगैरह तो आराम से करके जा सकते हो, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका ऐसे के ऐसे रहेगा जब तक आप खुद से ओपन नहीं करोगे इसको। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ईजी है, तो कोई भी ट्राई कर सकता है, सूट के साथ, साड़ी के साथ, जींस टॉप के साथ, जैसे भी ड्रेस पहन रहे हो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो एवरीडे में। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। इस साइड से आपको इस तरीके का लुक आएगा और दूसरी साइड से इस तरीके का लुक आएगा। तो बड़े वाले क्लचर से आप इस तरीके की हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, पहले हेयर स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। तो चलते हैं, मैंने यहाँ पे दूसरा दिखाया क्योंकि फर्स्ट वाला हेयर स्टाइल मैं भूल गई थी, लेकिन तीसरा हेयर स्टाइल है ये। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। अच्छे से कॉम कर लिया है मैंने बालों को, देन इसको इस तरीके से लेंगे और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको एंड पार्ट पे लपेट देंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और जो हमारा एंड पार्ट था उसको पकड़े रहना है, वहीं पे आपको क्लचर लगाना है जिससे कि आपका हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए। ओके, और इस तरीके से लगा दोगे, ये भी बहुत टाइट रहता है, बहुत अच्छे से आप इसको लॉन्ग टाइम तक बना के रख सकते हो। तो ये हमारा तीसरा हेयर स्टाइल है। अभी चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। तो चौथे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली अपने सारे बालों को लेना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। तो है ना बहुत ही ईजी और सिर्फ एक क्लचर की मदद से, इसमें कोई यूपिन कुछ भी यूज नहीं किया मैंने। चौथे हेयर स्टाइल में भी इसी तरीके से लेके जाना है और इस तरीके से इसको पकड़ना है जैसे हमने थर्ड हेयर स्टाइल में किया था, और जैसे इसमें हमने थर्ड हेयर स्टाइल में सेंटर में क्लचर लगाया था और खड़ा करके, बट इसमें इस तरीके से क्लचर को लगाना है और सारे हेयर को इस तरीके से नीचे की तरफ गिरा देना है। और ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है और बहुत ईजी इस तरीके से आप बना लोगे। और थोड़ा सा हेयर नीचे वाले हेयर को पकड़ के क्लचर के अंदर दबा देंगे ताकि वो खुल ना जाए, और ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। तो पांचवे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, पहले इस वाले हेयर स्टाइल को ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ से क्लचर को कैसे ओपन करोगे वो ध्यान से देख लीजिए। अब इस तरीके से आपको पांचवे हेयर स्टाइल में यहाँ से क्लचर ऊपर की तरफ हेयर को उठाना है, देन क्लचर को ओपन करना है और इसको खोल लेना है। बहुत ईजी तरीके से आप इसको ओपन भी कर लोगे। अब चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। इसे अगेन आपको बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है। आप ये सारे हेयर स्टाइल हाई लो जैसे चाहिए वैसे बना सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर आपको पांचवे हेयर स्टाइल में इस तरीके से ट्विस्ट करना है सारे बालों को और ऊपर की तरफ लेके जाना है,
और यहाँ पे क्लचर को लगा देना है। ओके, और जो ये हेयर बचे हुए हैं इनको साइड से ही इस तरीके से लेके आना है, अच्छे से सेट कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। और इस साइड में ले जाके क्लचर के अंदर ही इसको दबा देना है। फिर इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा यूपिन्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से आप बना लोगे, खुद से भी बना सकते हो, सारे हेयर स्टाइल सेल्फ कर सकते हो। मेरे हेयर थोड़े छोटे हैं इसलिए मैंने अपने बालों पे नहीं बताया है, ट्राई ज़रूर करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ये देखिए हमारा पाँचवा हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट हो गया है। इसको भी चाहो तो इस तरीके से ढक सकते हो और चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। और इसी में आप छठा हेयर स्टाइल भी बना सकते हो, ऐसे हेयर को पकड़ो और क्लचर के अंदर ही इंसर्ट कर दो। तो इस तरीके से आपका छठा हेयर स्टाइल भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी छोड़ सकते हो, अगर क्लचर आपको हाइड करना है तो आप ऐसे कर लो। तो चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। पहले इसको ओपन कर लेती हूँ, बालों को खोल लेती हूँ, उसके बाद से सातवां हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो सातवें हेयर स्टाइल में भी आपको अच्छे से बालों को कॉम करना है। अच्छे से कॉम करके इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लचर को लगा देंगे। ओके, अब जो ऊपर वाले हेयर है उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, अच्छे से पूरा क्लचर को हाइड करते हुए फैला लेंगे सारे बालों को। और यहाँ पे आप चाहो तो रबर बैंड भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ और यूज नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्लचर की मदद से बता रही हूँ। तो उसी क्लचर के अंदर इस तरीके से दबा दिया है ट्विस्ट करके, और ये भी बहुत प्यारा लगता है, साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप बना के कहीं भी जा सकते हो इसको। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का था। अब चलते हैं हम लोग आठवें हेयर स्टाइल की तरफ। ओके, ये सेवन दिखा रही हूँ बट आठवां हेयर स्टाइल है। तो आठवें हेयर स्टाइल में भी इस तरीके से सिंपली बालों को ट्विस्ट करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है, ट्विस्ट करते जाना है, करते जाना है एंड लपेटते जाना है आपस में बालों को, और इस तरीके से सारे हेयर को ट्विस्ट कर देना है। और इस तरीके का लुक आएगा, उसके ऊपर आप एक क्लचर ऐड कर दो, छोटा वाला क्लचर भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अपने बालों के अकॉर्डिंग आप, क्योंकि बड़ा क्लचर थोड़ा सा ऑड लग रहा है बट मैंने यहाँ पर बड़ा ही लगाया हुआ है। जो एंड पार्ट आता है वहां पे आपको क्लचर को इस तरीके से सेट करना है। कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा? आसान तो सारे ही हैं, कोई भी बना सकता है, बट मैंने सिर्फ एक क्लचर की मदद से बताया है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।